हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी अलर्ट प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं अजंता के एलिन क्रीम के बारे में, जो कि 15 ग्राम में आती है और इसका प्राइस है 650। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से नहीं मिलने वाली, आपको इसे ऑर्डर करना पड़ेगा और ये किसी बड़े मेडिकल स्टोर पर ही आपको मिलेगी। तभी मैं आपको बोलती हूँ अपने हर वीडियो में, अगर जब आप बोलते हैं कि मैम लिंक दीजिए कहाँ से बाय किया ये बताइए, तो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ और आज भी यही बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी मेडिकल का सामान लेते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक मेडिकल स्टोर से लीजिए। उससे आसानी रहती है कि अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसके काम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कई लोग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पॉइंट हैं। पॉजिटिव ये हैं कि उन्हें तरीका है इसे लगाने का, ठीक है। नेगेटिव ये है कि उन्हें तरीका नहीं पता और जहाँ से उन्होंने बाय किया उन्होंने सिर्फ क्रीम ले ली और उनसे पूछा नहीं। अगर आप मेडिकल स्टोर पे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे लेने से पहले आप एक बार पूछ लें उसे कि इसे किस तरह से लगाना है, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ फेशियल हेयर के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि सिर्फ ये फेशियल हेयर पर ही काम करेगा और कहीं इसे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फेशियल हेयर पर भी ये जब काम करेगा जब वहाँ पर आपने यहाँ थ्रेडिंग कराई हो, मतलब जो बाल आपके वो जड़ से निकले हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्रीम को दिन में 2 बार अप्लाई करना है। आपको कंटिन्यू यही करना है, जब भी मतलब आपको स्किप नहीं करना, ये नहीं कि जब भी आप कर रहे हैं फिर बाल आ गए तो आपने छोड़ दिया, बिल्कुल एक दिन भी स्किप नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल रेगुलर करना है तो ही आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, वरना आपको नहीं मिलेंगे। और बहुत ही लंबी प्रोसेस है, इतनी जल्दी निजात नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये क्रीम मैंने सेकेंड टाइम बाय की है और मेरे जो अपर लिप पे जो मुझे प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल भी हाइड नहीं हुई है, बिल्कुल तरीके से परमानेंट नहीं हुए हैं, लेकिन इतना है कि मैंने जब एक ट्यूब ख़त्म की है तो मुझे उसके रिजल्ट मिले हैं, मतलब कि इतना डार्क नहीं है। अगर मैं थ्रेडिंग नहीं कराती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मेरे यहाँ पे बाल है। नज़दीक से कोई आएगा तभी उसे पता चलेगा कि हाँ मेरे अपर लिप पे हल्के हल्के हेयर हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ट्राई कीजिए, ट्राई करने का मेथड मैंने बता दिया।